तो गाइस आज है डे 3 इन गैंगटोक, डे 1 अराइवल, डे 2 लोकल साइट सीइंग और आज डे 3 हम जा रहे हैं जुलुक और नाइट स्टे होगा हमारा जुलुक में और कल वापस आएंगे हम गैंगटोक में। तो ये प्लान है आज का और ये कुछ होटल से व्यू है, काफ़ी सुंदर नज़ारा। तो मिलते हैं आपको जुलुक की जर्नी पे। क्या आपने शंगू लेक के बारे में सुना है? बाबा हरभजन के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो ये स्टोरी है आपके लिए और मैं बताऊंगा आपको हाथी जैसे दिखने वाली एक लेक की कहानी। शंगू लेक हमारा पहला स्टॉप होगा, शंगू लेक जिसका डिस्टेंस गैंगटोक से लगभग 36 किलोमीटर है। शंगू लेक को एक सेक्रेड लेक माना जाता है। ऐसा मिथ्स है कि कुछ बुद्धिस्ट सेंट यहाँ पे लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ द लेक। शंगू लेक के बाद हम जाएंगे बाबा हरभजन जी के मंदिर में जिसका डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है शंगू लेक से। शंगो लेक के बाद हम निकल पड़ते हैं एलिफेंट लेक की तरफ। इस लेक की शेप एलिफेंट से मिलती है जिसकी वजह से इसे एलिफेंट लेक कहा जाता है। जुलुक वैली अभी 1 घंटे का रास्ता हो रहा है तो रास्ते में एलिफेंट लेक का थोड़ा सा नज़ारा लेते हुए, इसको एलिफेंट लेक बोला जाता है क्योंकि इसका थोड़ा शेप तो है ना एलिफेंट की तरह है, तो इसलिए इसको एलिफेंट की तरह बोला जाता है। बारिश शुरू हो चुकी है तो मेरा रेनकोट निकाल दो तुम, अभी ठंड हो रही है, मुझे रेनकोट पहनना है, ठीक है, नहीं तो हालत और ख़राब हो जाएगी। चाय तो बहुत पी लेकिन चाय का असर नहीं हुआ, लेकिन याक है नीचे, वो याक दिख रहा है नीचे। होगी बारिश है ना, निकालना पड़ेगा, काम नहीं चलेगा नहीं तो गीला हो जाएंगे पूरा, गीले हो जाएंगे पूरा खोलना पड़ेगा है ना, थोड़ी जल्दी दूर इसको लैस लगा स्टैंड जल्दी में साइड से निकाल लेंगे, वो करना पड़ेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लव्स निकाले बस और कुछ नहीं है। रेनकोट पहन के हो गया रेडी और ठंड बहुत लग रही है, चाय भी बस दो बार तो जा पी ली, लेकिन अभी सफ़र हो रहा है, मज़ा आ रहा है। इंग्लिश वाला सफ़र हो रहा है और हिंदी वाला दोनों हो रहा है, सफ़र में सफ़र हो रहा है, एक इंग्लिश में इसमें एक हिंदी वाला है। तो एलिफेंट लेक को विदा करते हैं। छोटा हाथी है क्या? हाँ ये छोटा हाथी नहीं, वो हाथी का बच्चा है और ये उसका कुछ भी मान लो, और आगे मिल जाएगा तो बड़ा हाथी बनेगा। ऊंचाई है और ऊंचाइयाँ जब भी आती हैं रोड पे तो एक ही मेरे को आता है, हर नए मोड़ पे नया दृश्य और कल कल करते हुए झरने। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। हमें शाम को जुलुक पहुंचना था तो इसीलिए हम निकल पड़ते हैं बाबा मंदिर के लिए। बाबा हरभजन जी का टेम्पल शंगू लेक से अराउंड 17 किलोमीटर है। इसी टेम्पल से 9 किलोमीटर की दूरी पे है ओल्ड टेम्पल ऑफ बाबा हरभजन सिंह जी।
ओल्ड बाबा टेंपल से 30 किलोमीटर है जुलुक पास, जहां पहुंचने के लिए हमें 1 आवर लगेगा। जुलुक को सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे सिल्क ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। यहां का फेमस अट्रैक्शन है जिगजैग रूट, बट बारिश और फॉग की वजह से हम जिगजैग रूट को कवर नहीं कर पाए। कल हमने गैंगटोक का लोकल साइट सीइंग किया था और आज हमने बाइक रेंट करी है 2 दिन के लिए। बाइक रेंट 1 दिन आपको पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसके लिए परमिट बनता है। तो ये सब आप जहां से बाइक रेंट कर रहे हैं तो वो लोग ही अरेंज करके देते हैं। तो गाइस, सिक्किम की जर्नी चलती रहेगी और हम मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।